हे हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लीजेंड ऑफ वाइल्ड स्नेक के 5th एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है चैंग की माँ से, जिसके ऊपर उसका साथी सेंटीपीड डिमन हावी हो जाता है और वो बाय को मारने की कोशिश करता है ताकि वो उसके डिमन कोर को ले सके। तभी वहाँ चिंग मोंग फाई के साथ पहुँच जाती है और मोंग फाई का केन उस सेंटीपीड डिमन पर हमला कर देता है। अब चूंकि ये डिमन मोंग फाई का मुकाबला नहीं कर सकता था, तो वो फिर चैंग की माँ के साथ यहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ चैंग की माँ अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, तो वो उस डिमन के साथ नहीं जाती, बल्कि वो उस सेंटीपीड डिमन को खुद से बाहर निकाल देती है, जिससे यहाँ मोंग फाई को पता चलता है कि असल में ये एक डिमन और इंसान का रूप थी। अब यहाँ इस डिमन के निकल जाने से यहाँ चैंग की माँ बहुत कमजोर हो जाती है, जिससे वो अपने बच्चे को बचा नहीं सकती थी। तब यहाँ बाय अपनी पावर्स लगाकर चैंग के सोल को लाने की कोशिश करती है। वहीं इधर मोंग फाई उस सेंटीपीड डिमन को, जो कि भाग रहा था, उसके ऊपर हमला कर देता है। पर ये डिमन बहुत ही पावरफुल था और वो मोंग फाई पर भारी पड़ रहा था और उसे मारने ही वाला था। पर तभी चैंग मोंग फाई को अपनी पूंछ से बचा लेती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस सेंटीपीड डिमन से फाइट करने लगते हैं। वहीं इधर चैंग की माँ खुद को सैक्रिफाइस करती है और अपनी पूरी पावर्स को खुद से बाहर निकाल देती है ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर उसका ये सैक्रिफाइस जाया नहीं जाता, क्योंकि बाय उसकी मदद से चैंग के सोल को उस कमल पर ले ही आती है, जिसके बाद वो उस कमल को मृत्यु के द्वार के उस पार ले जाने लगती है। यहाँ चैंग सोंग बाय को रोकता है, क्योंकि इस रास्ते पर जाने पर वो वापस नहीं लौट पाएगी। पर बाय नहीं सुनती और वो चैंग के सोल को मृत्यु के द्वार की दूसरी तरफ ले जाती है, जिससे उसकी आत्मा पुनर्जन्म के लिए चली जाती है। पर यहाँ बाय जैसे ही वापस लौट रही थी, तो वो द्वार उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देख चैंग सोंग बाय के हाथ को पकड़ लेता है और वो उसे बाहर लाने की कोशिश करता है। इधर मोंग फाई और चैंग, जो कि उस डिमन से फाइट कर रहे थे, यहाँ ये डिमन उन दोनों को ही अपनी पावर्स में जकड़ लेता है और वो उन्हें मारने वाला था। तब मोंग फाई खुद को और चैंग को उस बड़े से पोल से ढक लेता है, जिससे वो डिमन उनका कुछ नहीं कर पाता। पर जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो चैंग देखती है कि बाय उस द्वार की तरफ खींची चली जा रही है, तो वो उसकी मदद करने के लिए एक पेड़ से अपनी पूंछ को जकड़ लेती है और वो उन्हें बाहर की ओर खींचने लगती है। पर इस द्वार की ताकत बहुत ही ज्यादा थी और वो बाय के साथ उन दोनों को भी अंदर की तरफ खींचने लगती है। इधर मोंग फाई को अपने गुरुजी की बात याद आती है, जहाँ उन्होंने कहा था कि एक डिमन सिर्फ अपने सोच से डिमन होता है और अगर वो दयालु है तो उसे कभी भी उस डिमन को नहीं मारना चाहिए। यहाँ चैंग की पकड़ उस पेड़ से खत्म हो रही थी और वो छूट जाती है, लेकिन तभी मोंग अपने केन से उन तीनों को अपनी ओर खींचने लगता है और वो अपनी पावर से उन तीनों को उस द्वार से बाहर निकाल देता है। पर इसके बाद ही उस द्वार का रास्ता टूटने लगता है, तो ये सभी टेलीपोर्ट होकर वापस लीनैन शहर में आ जाते हैं। उसी शॉप में मोंग फाई वहां से जाने लगता है, पर वो उनसे कहता है कि वो इस बार तो उन्हें छोड़ रहा है, लेकिन अगर कभी उन्होंने गलती की तो वो उन्हें पकड़ लेगा। वहीं दूसरी तरफ कॉम्फू जूसैन के साथ मिलकर यहाँ पर बंधक सभी बच्चों को बचा लिया था। तभी वहाँ रूही आ जाती है और वो जूसैन का हाथ पकड़कर उससे बातें करने लगती है। ये देख बाय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वो बेहोश हो जाती है और चिंग सॉन्ग उसे बचाता है। यहाँ जूसैन जब बाय को इस हालत में देखता है, तो वो उसकी मदद करना चाहता था, पर चिंग सॉन्ग उसे साफ मना कर देता है और बाय को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से जाने लगता है। जूसैन भी उनके पीछे जाने वाला था, पर तब चिंग उसे रोक देती है कि वो उसका पीछा ना करे, जिससे जूसैन को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद वो चैंग के पेरेंट्स से मिलने उनके घर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि चैंग की माँ मरने की कोशिश कर रही थी, तो वो उन्हें रोकता है। इधर हम बाय और चिंग को देखते हैं, जहाँ बाय ठीक थी और उसे चैंग के माँ से मिलना था, तो वो चिंग के साथ चैंग के घर के सामने आ जाती है, जहाँ बाय को वहाँ पर चैंग की सोल दिखती है। तो वो दोनों घर के अंदर आती है, जहाँ वो देखती है कि चैंग की माँ बहुत ही रो रही थी अपने बेटे को याद करके। ये देख बाय उन्हें बताती है कि उनके घर फिर से चैंग आने वाला है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, यहाँ पर उसे विश्वास ही नहीं होता। पर जूसैन चेक करके बताता है कि बाय सही कह रही है। ये सुनकर चैंग के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद बाय और चिंग वहाँ से जा रही थी। तभी जूसैन बाय को रोकता है, तो चिंग उसे दूर कर देती है। जूसैन बाय से पूछता है
उसे बिना चेक किए वे कैसे पता चल गया कि उनके यहाँ एक बेबी आने वाला है, जिस पर बाई कहती है कि वो खुद एक लेडी है तो वो इसे समझ सकती है। ये सुन जूसियान को बाई पर कोई शक नहीं होता। बाई वहाँ से जाने लगती है, पर जूसियान उसके पीछे जाना चाहता था, पर तब चिंग जूसियान को वहाँ से जाने को कहती है और वो बाई के साथ वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में वो बाई से कहती है कि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और उसका रैंक 1 है। वही चिंग सॉन्ग वो उससे पीछे दूसरे नंबर पर है। और रही बात जूसियान की, तो वो आखिरी पर है, क्योंकि वो जैसा दिखता है वो वैसा असल में है नहीं। ये सुनकर बाई चिंग से पूछती है कि क्या उसे गायब होना आता है, क्योंकि वो जूसियान का पीछा करना चाहती थी ताकि वो जान सके कि वो असल में कैसा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाई और चिंग दोनों डिसअपीयर होकर जूसियान को छिपकर देख रही होती है। जूसियान के पास बहुत सारी लड़कियां आती है अपना इलाज करवाने के लिए, और वो इलाज कराने के बहाने जूसियान को अपनी ओर अट्रैक्ट करी थी और उसे बहुत सारे गिफ्ट भी ऑफर करती है, पर तब जूसियान उन सभी को मना कर देता है। ये देख बाई चिंग से कहती है कि जूसियान एक अच्छा इंसान है। जिसके बाद जूसियान अपने घर जा रहा था, पर तभी रास्ते में उसे पैसे की एक थैली गिरी हुई दिखती है, तो वो उसे उठा लेता है। तभी उसके पास दो लोग आते हैं जो कि कह रहे थे कि ये पोटली उनकी है। यहाँ जूसियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पोटली को किससे दे, तो वो उनसे सवाल पूछता है कि इसके अंदर कितने पैसे हैं। लेकिन उन दोनों के आंसर सेम थे, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और पूछने पर वो दोनों इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं और कहते हैं कि वो बस मजाक कर रहे थे। जिसके बाद जूसियान पैसे उन्हें दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। और तब हम देखते हैं कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि बाई और चिंग थी, जो कि जूसियान का टेस्ट ले रही थी कि कहीं वो कोई लालची इंसान तो नहीं। लेकिन यहाँ उन्हें ये पता चला कि जूसियान बहुत ही इंटेलिजेंट है। इधर जूसियान घर आ जाता है, जहाँ पर उसके भैया एक पार्टी देना चाहते थे, जहाँ वो अपने दोस्त को बुलाने वाले थे, पर जूसियान भी किसी को बुलाना चाहता था। यहाँ उसकी बहन समझ जाती है कि ये वही लड़की बाई है और वो जूसियान के फीके लेती है। जिसके बाद जूसियान बाई को इनवाइट करने के लिए निकल जाता है। इधर हम मॉन्ग फाई को देखते हैं, जहाँ पर उसके गुरु से मिलने आते हैं। तो मॉन्ग फाई उन्हें बताता है कि उसने साधना के दौरान एक स्वप्न देखा कि वो भी एक डिमन बन गया है। ये सुन उसके गुरु कहते हैं कि उसने हाल ही में लोगों को छोड़कर उन पर दया दिखाया है, इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा है। तो वो बाहर जाकर बुद्ध की आराधना करे। जिसके बाद हम बाई को देखते हैं, जहाँ पर जिंग सॉन्ग उसे इस जगह को छोड़कर वापस माउंट एमी चलने को कह रहा था। ये सुन जिंग उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बाई अब हमेशा यहीं पर रहेगी मेरे साथ, और इस शहर में बुरा ही क्या है जो वो माउंटेन में जाएगी रहने के लिए। यहाँ जिंग सॉन्ग और जिन इस बात को लेकर एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, तो बाई वहाँ से निकल जाती है। इधर जूसियान बाई के घर को ढूंढ रहा था, लेकिन कई लोगों से पूछने पर भी उसे बाई के घर का पता नहीं चलता, तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है और भगवान से कहता है कि अब वो ही कोई रास्ता निकाले। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, तो वो बारिश से बचने के लिए एक जगह जाता है और बाई भी बारिश से बचते हुए वहाँ पर आ जाती है, जिससे ये दोनों मिल जाते हैं। यहाँ बाई जूसियान को देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिंग सॉन्ग बताता है कि वो उसके ही घर को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मिला ही नहीं। जिस पर बाई कहती है कि उसका घर बहुत ही सुनसान जगह पर है, तो इसी वजह से उसे नहीं मिला होगा। बाई भी गई थी, तो जूसियान उसे रुमाल देता है। अब तभी बारिश रुक जाती है, तो बाई वहाँ से जाने लगती है, पर जूसियान कहता है कि वो उसके घर तक उसे छोड़ने जाएगा, तो बाई भी मना नहीं करती और वो जूसियान को अपने घर के सामने ले आती है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता। वो बाई को वहीं पे बताता है कि उसके घर पर एक पार्टी है तो उसे आना है, और ये कहते हुए वो जाने लगता है। पर बाई ऐसा नहीं चाहती थी, तो वो अपने मैजिक से वहाँ बारिश करवा देती है, जिससे जूसियान को अंदर आना ही पड़ता है। वहीं घर के अंदर चिंग और शिंग सॉन्ग एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं कि बाई किसके साथ रहेगी। ये दोनों एक दूसरे पर अपने मैजिक से सामान फेंकने लगते हैं, और तभी एक सामान जूसियान को लगने वाला था। ये देख बाई उसे चिड़िया बना देती है। अब यहाँ जब चिंग ये देखती है कि बाई अपने साथ जूसियान को यहाँ लेकर आई है, तो वो दरवाजा बंद कर देती है और अपने मैजिक से यहाँ सब कुछ पहले जैसे अरेंज कर देती है। जिसके बाद वो जिंग सॉन्ग के साथ बाहर जाती है। यहाँ जूसियान को शक हो रहा था कि इतने बड़े से घर में ये सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं। ये सुन जिंग सॉन्ग तुरंत अपने मैजिक से एक मेंढक और चूहिया को
अपना सर्वेंट बना देता है, जिसके बाद वो जूस यान को खाने के लिए बिठाता है, जहाँ पर मेंढक और चूहा खाना लेकर आते हैं। तभी एक मक्खी उड़ती है तो वो मेंढक उस मक्खी को खा लेता है। ये देख पाए जिंग सोंग का ध्यान वहाँ से हटाने के लिए अपने हाथ पर सूप गिरा लेती है, तो जूस यान उसका इलाज करना चाहता था, पर जिंग सोंग उसे रोक देता है ये कहते हुए कि ये काम वो कर लेगा क्योंकि वो पाए के बहुत ही करीब है। ये सुनकर जूस यान बहुत ही हैरान हो जाता है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।